अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी? ठीक हैं, खुश हैं, खैरियत से हैं जी? दोस्तों, मैं आपका भाई मेहर मुदस्सर, और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इब्राहिम भट्टी का मकबरा। ये आपके सामने है, एक हिस्टोरिकल मकबरा है, काफ़ी पुराना ये मकबरा है इब्राहिम भट्टी का। और ये चक इब्राहिम भट्टी है, सामने वो स्टेशन है जो कि इब्राहिम भट्टी के नाम से मशहूर है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको वो स्टेशन भी दिखाऊंगा। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इब्राहिम भट्टी का मकबरा। काफ़ी ज़्यादा ये खूबसूरत मकबरा है और काफ़ी ज़्यादा ये पुराना है। इसकी एक तारीख है जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये इब्राहिम भट्टी यहाँ का एक ज़िम्मेदार था, तो जब अंग्रेज़ हुकूमत ने रेलवे लाइन बिछाई तो इसकी ज़मीन से रेलवे लाइन जब गुज़री तो इस बंदे ने, इब्राहिम भट्टी ने, अंग्रेज़ों को कहा कि आप मेरी ज़मीन से रेलवे लाइन गुजार रहे हैं तो इस स्टेशन का नाम इब्राहिम भट्टी रखा जाए। तो उन्होंने ऐसा ही किया, इस स्टेशन का नाम इब्राहिम भट्टी रखा गया, जो कि आज भी अपनी टूटी फूटी हालत में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, चक इब्राहिम भट्टी ये कंजवानी रोड के बिल्कुल ऊपर आता है। अगर हम तांदले वाला से आएँ, तांदलियाँ वाला और कंजवानी के बिल्कुल दरमियान में ये आता है चक इब्राहिम भट्टी, जहाँ पे ये मकबरा भी मौजूद है और वो स्टेशन भी मौजूद है। ये दोस्तों बानी रेलवे स्टेशन भी हैं चक इब्राहिम भट्टी के। इब्राहिम भट्टी इनका नाम है, ये आपने तख्ती पढ़ी होगी। तो अभी मैं आपको चारों साइडें इसकी दिखाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा ये खस्ता हालत में मकबरा है। ये इसकी चार दीवारी आप देख लें, वो सामने मेन रोड है कंजवानी रोड, ये आपके सामने है जी। ये बैक साइड है मकबरे की, इब्राहिम भट्टी का आप मकबरा देख रहे हैं। दुल्ला भट्टी शहीद, राय अहमद खान खरल शहीद और राय बुलार खान भट्टी, इनका मकबरा देखने के लिए आप हमारा चैनल विज़िट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मैंने आपके साथ पुराने पुराने मकबरे शेयर किए हैं। तो ये आपके सामने है जी इब्राहिम भट्टी का मकबरा। तो दोस्तों, ये ज़िम्मेदार था यहाँ का, जब अंग्रेज़ों ने फिर लाइन बिछाई रेलवे स्टेशन की या रेलवे लाइन इधर से गुज़री तो ये जो रकबा था ये इब्राहिम भट्टी का था। तो इन्होंने उनसे कहा कि यहाँ से आप रेलवे लाइन गुजारें मेरी ज़मीन से, और मेरी ज़मीन में आपने एक स्टेशन रखना है जिसका नाम भी इब्राहिम भट्टी होगा। तो फिर ऐसा ही हुआ, चक इब्राहिम भट्टी के नाम से ये स्टेशन था, और इधर से शोरकोट, फैसलाबाद, लाहौर तक गाड़ियां जाती थी, रेलगाड़ी जाती थी। वो सामने, वो आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं वो सामने, मैं आपको करीब से थोड़ा सा दिखाता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं सारा आपको दिखाऊंगा। वो सामने ये रेलवे स्टेशन था। अभी तो दो इमारतें हैं उधर, ज़्यादा नहीं है, टूट फूट का शिकार हैं, गिर गई हैं जी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मकबरे की ज़्यारत कर ली होगी और आपने एड्रेस भी समझ लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वो स्टेशन जो इनके नाम से मशहूर है, चक इब्राहिम भट्टी के नाम से मशहूर है। ये मेन सड़क से नीचे हम आए हैं, ये मकबरा है इब्राहिम भट्टी का। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए ना आप हमारा चैनल विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये चार दीवारी है, अंदर वो मकबरा है, ताला लगा हुआ था जिसकी वजह से मैं आपको इनकी आखिरी आरामगाह नहीं दिखा सका, उसके लिए माजरत। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं आपको वो स्टेशन दिखाऊंगा जो कि इनके नाम से है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बखूबी ये मकबरा देख लिया होगा। आप अपने भाई मेहर मुदस्सर को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बड़ी जल्दी एक न्यू वीडियो लेकर हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।